रिमांड खत्म, आज फिर बड़ी पेशी। आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब हुकाम शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दाखिले और खारजी रास्ते बंद, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इकदाम, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से नैब की तफ्तीश का अमल मुतासर होता है। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से रोके दरख्वास्त गुजार। किसानों का धरना दूसरे रोज भी जारी, रात गए पुलिस और हुकूमती टीम से मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। किसान इत्तेहाद का मुतालबात मंजूर कराए बगैर पीछे ना हटने का ऐलान। किसानों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। थोकर न्याज बेग पर शहर का दाखिली रास्ता मुकम्मल बंद। मरकजी कोऑर्डिनेटर मलिक जुल्फिकार आवान कहते हैं कि 100 रोज तक खामोश रहे अब मुआशी कत्ल बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों पर झूठे मुकदमा दर्ज कराकर डराया धमकाया जा रहा है। वज़ीर आला खुदा कर मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराएं। डॉलर की कीमत में इजाफा, जुडिशल इंक्वायरी के लिए सदर वज़ीर आज़म को खत, खत की कॉपी गवर्नर स्टेट बैंक और वजारत खजाना को भिजवा दी गई। पंजाब में हर काम मेरिट पर ही होगा, इदारों की कारकर्दगी पर चेक एंड बैलेंस का मौसर निजाम वज़े किया जा रहा है। पंजाब रोल मॉडल बनेगा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकीन कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत की कफायत शारी मुहिम खतरे में, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने नई कीमती गाड़ियों की खरीदारी के लिए वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी मांग ली। 8 करोड़ रुपए की लागत से 20 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स महकमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गई। एंटी करप्शन ने एलडीए से मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स का रिकॉर्ड मांग लिया। हुकाम को 10 दिसंबर को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हदायत। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद वक्कास नजीर की जेर सदारत सिविल लाइंस डिवीजन की एंटी क्राइम मीटिंग। डीआईजी ऑपरेशंस ने जराइम पर काबू ना पाने वाले एसएचओस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जराइम पर काबू ना पाने वाले एसएचओ को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं, डीआईजी ऑपरेशंस। चोर लुटेरों के बाद भत्ताखोर भी शहर में सरगर्म। कैंट के इलाके में नामालूम अफराद ने ताजर मोहम्मद अजीम के घर लाखों रुपए भत्ते की पर्चियां फेंक दी। मुलजमान की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। ऑर्डर टाउन जी ब्लॉक कब्रिस्तान में गैर कानूनी आहतों के खिलाफ ऑपरेशन। 11 कनाल पर मुश्तमिल आहतों को मिसमार कर दिया गया। राजी वागुजार, ऑपरेशन में 70 से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद। वेल्डिंग और कटर से लोहे के जंगले काटे गए। ऑपरेशन मजीद 3 रोज तक जारी रहेगा। तब्दीली सरकार में नए बलदियाती निजाम की बाजगश्त। सुबह भर के बलदियाती नुमाइंदों का फ्लैटीज होटल में कट। मेयर लाहौर कहते हैं एक निजाम को तोड़ना आसान है लेकिन बनाना मुश्किल। तरक्याती स्कीम्स को रोक कर आवाम के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। पंजाब हुकूमत बलदियाती निजाम लपेटने की बजाय इसको मजबूत करने पर काम करे। मुर्गबानी मुहिम के बाद कट्टे पालने का मंसूबा शुरू। महकमा लाइफ स्टॉक ने प्राइवेट फार्म्स को भी मंसूबे में शामिल कर लिया। 3 साल में 7 लाख कट्टों की फीडिंग का टारगेट सेट। हदफ पूरा करने वाले फार्म्स को इनाम से नवाजा जाएगा। गैर मुल्की रेस्लर्स भी कदीम और नायाब गाड़ियों के दिल दादा निकले। रेस्लर्स पोलो ग्राउंड में सजे वेंटेज गाड़ियों का मेला देखने पहुंचे। टिनी आयरन का एक शहरी को उठाकर ताकत का भी मुजाहिरा।